बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं होंडा का वर्ना फ्लूइड ECM के बारे में। तो आपके सामने ये सामने जो दिखाई दे रहा है, तो ये है 2A841, यानी कि 841, और एक आता है 840। ये दोनों बोर्ड वर्ना फ्लूइड में लगते हैं, ठीक है। इसी के अलावा एक बोर्ड और होता है, ये इस पे नंबर आप देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है 2A000। ये I20 वर्ना I20 में लगता है। इन दोनों का जो हार्डवेयर है वो सेम है। इन दोनों के अंदर इस बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आज हम इस बोर्ड के बारे में आपको कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। ये आपको दो रेजिस्टेंस दिखाई दे रही हैं, इस पे लिखा हुआ है 2871, इन दोनों पर 2871 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें एक रेजिस्टेंस का एक साइड तो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, और जो दूसरी रेजिस्टेंस है उसके एक तरफ 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है, ठीक, और दूसरी तरफ से निकल कर वो पावर आईसी पे चली जाती है, पावर आईसी की पिन नंबर 5 पर। यहाँ पावर आईसी बैक साइड में लगी होती है, ये पावर आईसी लगी हुई है, ठीक है, इसकी पिन नंबर 5 पर आती है। बताना कुछ ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये वाली और ये वाली, ये 2871 इसकी वैल्यू होती है, यानी कि 2.8 के की, लगभग 2.87 के की। एक रेजिस्टेंस पर 12 वोल्ट सप्लाई आएगी और दूसरी तरफ से निकलकर पावर आईसी में पहुंच जाएगी। एक रेजिस्टेंस और है, इसका दूसरा सिरा ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है। अगर ये रेजिस्टेंस वैल्यू इनकी बढ़ जाए तो ये फर्क पड़ता है कि पावर आईसी पर जो 12 वोल्ट पहुंचना चाहिए तो वो 12 वोल्ट नहीं पहुंच पाते हैं और वहां पर वोल्टेज कम हो जाते हैं, जिसके कारण से पावर आईसी से मेन रिले ग्राउंड आउट नहीं होगा, पावर आईसी से कैन लो कैन हाई के सिग्नल नहीं होंगे, ठीक है। तो इन रेजिस्टेंसों को आप ज़रूर ज़रूर चेक किया करें, ठीक है। ये मैं एक बार और आसान से समझा दूँ, आसान तरीके से, कि ये प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई जो है तो वो कुछ इस तरह से आती है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा मिल जाएगा आपको, और इसकी वैल्यू होती है 2.87 के, और इस रेजिस्टेंस को एक साइड ग्राउंड हो गया, ठीक है। अब ये वाली साइड जो है इस पे भी रेजिस्टेंस लगेगी, ठीक, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी होती है 2.87 के, और ये सप्लाई पावर आईसी की पिन नंबर 5 पर पहुंचनी चाहिए, पावर आईसी की पिन नंबर 5 पर, ठीक है। और 5 पर पहुंचने पर यहां से मेन रिले ग्राउंड आउट हो जाएगा, मेन रिले के लिए ग्राउंड आउट होगा, ठीक है, यहां से मेन रिले ग्राउंड आउट हो जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस या ये रेजिस्टेंस खराब हो जाती है तो फर्क क्या पड़ता है। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है 2.87 के की, और इसकी वैल्यू बढ़कर हो जाती है 100 के, अक्सर ये वैल्यू बढ़ जाती है, इसकी शिफ्ट हो जाती है, या 200 के या 1 मेगा ओम, इसकी जो भी वैल्यू बढ़ जाती है रेजिस्टेंस वैल्यू, ठीक है, 1 मेगा ओम जो भी वैल्यू इसकी बढ़ती है, तो उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि ये जो 12 वोल्ट सप्लाई है तो वो यहाँ तक तो 12 वोल्ट आएंगे, लेकिन अभी 2.8 है, 2.8 के है, तो यहाँ पर लगभग
11.8 के आसपास है वोल्ट, लेकिन जब ये वैल्यू 1 मेगा ओम हो जाएगी या 200 के हो जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो होगा क्या, ये रेजिस्टेंस इन बोल्ट को रोक देगी, काफ़ी हद तक रोक देगी। और रोकने की वजह से आप देखेंगे, हो सकता है कि यहाँ पर 3 वोल्ट या 4 वोल्ट ही मिल पाए। कहाँ पर? पिन नंबर 5 पर। तो 3 वोल्ट या 4 वोल्ट पे ये पावर ऐसी काम नहीं करेगी, और जिसकी वजह से मेन रिले ग्राउंड आउट होगा नहीं। ठीक है, तो इन दो रेजिस्टेंसों को आप ज़रूर ज़रूर चेक करिएगा। कई बार ये भी होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो अगर ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाए, यानी कि 2.8 K की है, अगर ये रह जाए सिर्फ मान लीजिए 10 ओम की रह जाए, तब क्या होगा, ये ग्राउंड उठ के इस लाइन से मिल जाएगा, और मिलने की वजह से भी यहाँ के वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। तो आपको चाहिए कि इन दोनों रेजिस्टेंसों को बहुत अच्छे से चेक करें। ठीक, तो एक बार और देख लें, तो वो रेजिस्टेंस है ये वाली, दोनों इन दोनों को ज़रूर चेक करें। ठीक है, इन दोनों रेजिस्टेंसों को ज़रूर ज़रूर चेक करें। और ये पावर आईसी के बैक साइड में होती है, कैपेसिटर फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है इसके पास में होती है। ठीक है, कॉइल 470 के ऊपर कैपेसिटर है, फिर ये रेजिस्टेंसें लगी होती हैं। ठीक, इन्हें ज़रूर चेक करें अगर आपका मेन रिले ग्राउंड आउट नहीं हो रहा। ऐसा ना करें कि आप सप्लाई भी चेक नहीं कर रहे हैं, आप सप्लाई भी चेक नहीं कर रहे हैं, फ़ौरन आप पावर आईसी को चेंज कर दे रहे हैं, ये तरीका गलत है। पहले आप ये देखिए कि जो पावर आईसी की रिक्वायरमेंट है वो इसको रिसीव हो भी रही है, नहीं हो रही है। अब पता चला कि आपने पावर आईसी चेंज कर दी और यहाँ पर सप्लाई की रिक्वायरमेंट लगभग 12 वोल्ट थी, वो तो आ ही नहीं रही है। तो पहले ये क्लियर करें कि ये इसकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। ओके, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी किसी दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे, और न्यू क्लास बस जल्द स्टार्ट होने वाला है, और जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो हमसे नीचे दिए हुए नंबर पर रابطہ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।